हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन और यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीतेश। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी पता चला है कि जो आज आप सभी लोगों का एग्ज़ाम हुआ है 15 तारीख को बीपीएससी टीआई 3.0 का फर्स्ट शिफ्ट में 6-8 का, इसका जो पेपर है लीक होने की संभावना बताई जा रही है। तो मैं आपको बता दूँ, चलिए हम लोग जानते हैं इसके आगे की फर्दर अपडेट्स क्या क्या है, क्या पेपर फिर से देना पड़ेगा आप सभी लोगों को, और रिपोर्ट मिलते हैं क्या इस एग्जामिनेशन को कैंसिल किया जाएगा, इसके आगे क्या एक्शन लेगी बीपीएससी, वो मैं सब पूरी जानकारी आप सभी लोगों को बताता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो है कि हर एक अपडेट आप सभी लोगों को मिलती रहे। बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बिहार पुलिस ने सॉल्वर गैंग के एक नेटवर्क का खुलासा किया है। इस गैंग के जरिए 300 से ज्यादा अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल कराने की तैयारी थी। खूब और बरही के दो होटल में पूछताछ कर रही है। बिहार पुलिस को सूचना मिली थी कि टीआई 3 के मद्देनजर पिछले एक सप्ताह से झारखंड के हजारीबाग में एक गैंग की मदद से परीक्षा के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों ने अभी न्यूज़ में भी देखा है, मैंने आपको उसका वीडियो दिखाया और यहाँ पर भी आप सब लोग देख सकते हैं, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले सॉल्वर गैंग का खुलासा किया गया है और बिहार के 300 कैंडिडेट से झारखंड में सॉल्व करवाए जा रहे थे पेपर, ठीक है। और यहाँ पर जो इसकी फर्दर न्यूज़ है, यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की परीक्षा से पहले बिहार पुलिस ने बड़ी कामयाबी हाथ लगी है उनके हाथों में और पुलिस ने सॉल्वर गैंग को पकड़ लिया है और एग्जामिनेशन से पहले ही इन्हें पकड़ लिया गया था, ठीक है। खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस सभी अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर झारखंड के हजारीबाग और बरही के दो होटल में पूछताछ कर रही है। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है, बट अगर ऐसा पता चलता है कि इन्होंने इन्फॉर्मेशन लीक की है या फिर इन्होंने सबसे पहले अगर पेपर वायरल कर दिया होगा या फिर बता दिया होगा, तो इसके बाद जो है कि इसके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। संभावना है कि छात्रों को पूछताछ के लिए बिहार लाया जा सकता है, उन्हें बिहार लाया जा सकता है। और बिहार पुलिस को सूचना मिली थी कि वह TRE 3 के और मध्यनगर पिछले एक सप्ताह से झारखंड में हजारीबाग के एक गैंग की मदद से परीक्षा के क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जा रहा था, यानी कि उसके पास एक हफ्ता उन लोगों के पास एक हफ्ता पहले ही पेपर आ गया था। जैसा कि इन्होंने बताया था कि आप सभी लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है वो क्लास में ही खुलेगा, तो इनके पास एक हफ्ता पहले कैसे क्वेश्चन पेपर आ गया था। इसकी सूचना मिलते ही बिहार पुलिस की तरफ से एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था। और आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, टीम ने परीक्षा के ठीक पहले शुक्रवार की सुबह हजारीबाग के एक होटल में रेड कर सभी 300 अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया है और फिलहाल इनके होटल के अंदर ही पूछताछ की जा रही है। और अभी आप सभी लोगों का 6-8 का एग्जामिनेशन हो चुका है और 1-5 का आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन अभी चल रहा होगा। इधर बीपीएससी सचिव रवि भूषण का कहना है कि हमें अभी किसी तरह से पेपर लीक की सूचना नहीं मिली, यानी कि अभी इन्हें पूरा कंफर्म अभी भी नहीं मालूम है। बट अगर ये लोग बताते हैं कि हाँ हमें इन्फॉर्मेशन पहले मिल गई थी या फिर हम लोगों ने अगर पहले पेपर लीक कर दिया है तो फिर आप सभी लोगों का जो पेपर है वो कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो हजारीबाग बीपीएससी अरविंद कुमार हजारीबाग के जो SSP है अरविंद कुमार सिंह ने दैनिक भास्कर को बताया कि बिहार पुलिस के इन सूचना मिली थी, झारखंड पुलिस ने उन्हें सपोर्ट किया और उसके बाद अब वह बिहार पुलिस की टीम उनसे पूछताछ की जा रही है। उसके फर्दर एक और अपडेट है, मैं आपको बता दूं, यहां पर आप सब लोग देख सकते हैं, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 300 से अधिक स्टूडेंट को हजारीबाग में पकड़ा गया है अभी पुलिस के अनुसार और पुलिस के मुताबिक, और जैसे ही अभी उनसे पूछताछ कम्प्लीट होती है और वहाँ से अगर ये खबर मिलता है कि नहीं, क्योंकि उन्हें एक हफ्ता पहले ही पेपर मिल चुका था, वो लोग पेपर को सॉल्व करवा रहे थे, अगर उन्होंने इंफॉर्मेशन वहां से लीक की होगी या फिर जो भी कैंडिडेट ने उनसे रेटिंग लगवाया होगा उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए, और अगर ऐसा पता चलता है तो इनके ऊपर जो है कि एक कंफर्म आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन भी कैंसिल हो सकता है, ऐसा कंफर्म रहेगा और जो है कि इनके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। बट ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इन्होंने ये कहा था कि आप सभी लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है वो एग्जामिनेशन के अंदर आने के बाद आप सभी लोगों के सामने खोला जाएगा, तो एक हफ्ता पहले यह वायरल कैसे हो सकता है, सवाल इसके ऊपर उठता है। ये अपडेट अराउंड 1 से 1.5 घंटा पहले ही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है, बट मैंने आप सभी लोग बता दिया और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि अगर वो लोग कुछ बताते या फिर वो जो उनसे बातचीत चल रही है अगर वो कंफर्म होता है तो आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन कैंसिल हो सकता है। बाकी फर्दर मैंने आप सभी लोगों को जो अभी एग्जामिनेशन हुआ है 6-8 का सारे सब्जेक्ट के PDF मैंने आप सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया, अगर आप सभी लोगों ने वो डाउनलोड नहीं किया है, बहुत सारे कैंडिडेट जो अगले TRE 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो लोग जाकर के वहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ही आज शाम तक नहीं तो कल तक आप सभी लोगों के क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।